आज जो मीटिंग हुई उसका क्या उद्देश्य था? उद्देश्य ये था कि हम अपनी मीटिंग बनाने चल रहे हैं, सहारनपुर का म्यूजिक एसोसिएशन है हमारी साउंड एसोसिएशन, जो हमारे मुद्दों को जाना है, हमारी मुसीबतों में काम आवे, उसके लिए हमें अपना संगठन बना रहे थे आज एक, तो हमारी मीटिंग तो ये आज मतलब सक्सेस होगी, आगे जाएगा 6 जनवरी को हमारी मीटिंग होगी सहारनपुर में, वहाँ पे पूरे जितने जिला स्तर पर जितने भी डिजेबल है सब आवेंगे, और हम चाह रहे हैं कि जितने भाई हमारे लिखे है मुजफ्फरनगर के है, मेरे जहाँ भी एसोसिएशन नहीं है, मैं सब भाई वहाँ पे एसोसिएशन बनावे अपनी और अपने मुद्दों को आगे रखे है, जब एकता होगी जब ही पता जब ही कुछ होगा साथियों, ऐसे कुछ नहीं होने का बच्ची है वो और साथियों मैं तो अपने जो बड़े भाई बड़े गुरु मुजफ्फरनगर और मेरठ से जितने भी बड़े भाई है उनका भी मैं प्यार से आह्वान करता हूँ, क्योंकि हमारी अभी शुरुआत होने की जा रही है एसोसिएशन की, हमें इतना ज्ञान नहीं है, बड़े गुरु और बड़े साहब आवे, बड़े डीजे वाले मेरठ वाले मुजफ्फरनगर वाले जिनकी एसोसिएशन बन चुकी, वे भाई भी आवे, हम उनका भी अपने इस वीडियो के माध्यम से आह्वान करते हैं ताकि वे हमारा अच्छे से अच्छे मार्गदर्शन कर सके और हमें अच्छी अच्छी राह पर चलने का दिशा निर्देश दे सके। मैं हाथ जोड़ के उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, बड़े बड़े जितने भी डीजे जैसे कसाना जी हैं और भी बहुत भाई हैं, सभी भाई आवे और हमारा मार्गदर्शन, इंजन वाला कोई भी चीज हो क्या चीज चलाओगा, इंजन मोटर, और हमारा आपको क्या चीज चलाओगी, मोटर नहीं चलाएगी भाई, हमारा आपको चलाओगी आदत, हमें आदत एक जैसे डालनी पड़ेगी सारे साथियों, अगर हमारी आदत सही है तो बाहर का व्यवहार जो लोग हमारे साथ गंदा व्यवहार कर रहे उनका व्यवहार ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, हमें अपनी आदत सुधारने के लिए बार बार वही वर्ड निकलता होगा, आपस की फूट खत्म करनी पड़ेगी, आपस की फूट खत्म करनी पड़ेगी, नहीं तो अंजाम क्या होगा, एक छोटी सी कहानी के आधार पर बता दो भाई अंजाम होगा, पुराने समय में एक पक्षी था भुरंड, भुरंड नाम था उसका, भुरंड उसके दो सिर थे जी, उस भुरंड रूपी नाम के पक्षी के दो सिर थे। भैया मैं एक बात कहना चाहता हूँ, 10 बजे तक तो डीजे चलो सही है बिल्कुल, बाकी पार्टी जो करती है वो तो करती है सबको पता है, हमारे डीजे वालों में एक कमी है, जितने पार्टी पैसे करते हैं ना हम बताते हैं, हमने 18,000 बताया तो 12,000 में दूसरा बंदा राजी हो जाएगा करने को, ये सब में बड़ी कहावत है नहीं है, ये अपनी तो कमी है, कोई अपनी डीजे की वैल्यू नहीं है क्या, ये बताओ वैल्यू है नहीं है, सबको अपने रेट है ना सही रखने चाहिए, काम है ना देने को तैयार है, अपनी वैल्यू हमने खुद घटा रखी, आज मैं 10,000 टच के मांग रहा तो 8,000 में कोई रामपुर का भी नौलोकता का भी एकदम आ जाएगा, ये साहब अपने चलता है सर सभी, यानी बाकी सब जो दीपक भाई कह रहे सब ठीक है, और भाई जैसे भाई कह रहे कि अध्यक्ष की जरूरत है, माहौल ऐसा बना दो बिल्कुल आएंगे सब चुप हो जाएंगे भाई, सचिन भाई सुबह भाई बिल्कुल चुप हो जाओ भाई, एक बार कह रहा था आते हुए सब चुप हो जाओ, अरे ये मीडिया वाला बोल रहे सब चुप हो जाओ, और मैं हूं तीरथ चौधरी, सावन का महीना आता है और अब शादी, लेकिन प्रशासन का अलग अलग नियम और कानून चलते हैं, अब आया है कि 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजेगा, जबकि शादी का समय चल रहा है, शादी का माहौल है, अब बात करते हैं डीजे वालों लोगों से, आज हमने भीड़ की है, क्या मामला है पूरा? सर मामला डीजे वालों की जान पे आ पड़ा, सरकार ने और पार्टी वालों ने डीजे वालों की बना रखी बीच फुटबॉल, पार्टी वाले अपनी मनमानी करते हैं डीजे बुक करने के बाद, सरकार अपने करता है, बीच में फुटबॉल बन गई डीजे वालों की, कारण सरकार कहती है कि 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजेगा, पार्टी वाले कहते हैं बजेगा, कारण पार्टी वालों के मिलने जुलने वाले सरकारी डिपार्टमेंट में होते हैं सभी के, वहाँ पे सब पीड़े होते हैं, वे अपने फ़ोन मिला जाते, जैसे 10 बजे हमने डीजे बंद कर दिया, या तो डीजे वाले के साथ मारपीट होगी, बदतमीजी होगी, या उसकी पेमेंट मर जाएगी, उसमें सरकार का कोई सहयोग नहीं है, हम सरकार के साथ चलने को तैयार है, प्रशासन के साथ चलने को तैयार है, जो भी इनके प्रोटोकॉल है हम उनके साथ चलने के लिए तैयार है, पर सरकार को भी हमारे साथ, सरकार तो हमारी मांग है कि सरकार भी हमारे साथ चले, अगर किसी शादी में जाके किसी मशीनरी में गड़बड़ आ गई, थोड़ी सी गड़बड़ आ गई, उसके ऊपर हमारी बेइज्जती,
पूरा पेमेंट मार लिया जाएगा, उसमें सरकार ने हमारी क्या मदद करी? अच्छा, हम चाहते क्या है सरकार से? सर, हम सरकार जैसे हमारे पर आज कानून बना रही है कि 10 बजे के बाद डीजे ना बजना चाहिए, ठीक है, 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजने का, डीजे को सीज कर रही सरकार, कोई बात नहीं कर दो, पर हमारी मांग ये है, हमारे साथ साथ पार्टी वालों के ऊपर भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। देहरादून हो या दिल्ली हो, जहाँ 10 बजे का काम चलता है, लेकिन डीजे का एक आधुनिक युग आया है, ये देहात में घुसा है, और देहात में तो 10 बजने का मतलब होता है कि शुरुआत ही दिन की वहां से होती है रात की, इसमें क्या कहेंगे आप? देखो, जिसमें सरकार से मांग है थोड़ा टाइम बढ़ा गया, क्योंकि जो भाई पैसे लगा के कहीं कहीं 1,000, 20,000, 30,000, 50,000 रुपए शादी में लगा रहा, उसे आदमी को 10 बजे डीजे बंद करने में बड़ी दिक्कत होगी। देहात में थोड़ा टाइम बढ़ जाना चाहिए, जैसे पैलेस हैं, शहरों में पैलेस हैं, इनके लिए टाइम ठीक है, लेकिन देहात के लिए टाइम बढ़ जाना चाहिए। अच्छा, आज आपने मीटिंग की है, क्या उद्देश्य है मीटिंग का? मीटिंग का जी एक तो ये है, एकता बनी रहे हमारी, हमारे सहारनपुर में अध्यक्ष नहीं था, जो हमारा साउंड एंड म्यूजिक एसोसिएशन होता है, इसके अध्यक्ष बनते हैं हर जगह, मेरठ में भी अपने मुजफ्फरनगर, तो हम भी यहाँ सोच रहे हैं कि हमारे भी मतलब आवाज उठे यहाँ पे, कोई ना कोई मतलब हमारा हो जो हमारी बात सुन सके और आगे तक पहुँचा सके। अच्छा, जी कमेटी अपना संगठन बनाना चाह रहे हैं। अच्छा, आप बताइए, आप क्या समस्याएं आती है? सबसे बड़ी समस्या है सरकार की साथ है, सरकार की साथ है, जो सरकार कहेगी वो चीज होगी। 10 बजे तक टाइम है तो 10 बजे तक रहेगा, मगर जो प्रॉब्लम हमारे साथ है वो सरकार को भी देखनी चाहिए। 10 बजे तो काम में डीजे स्टार्ट होते हैं, 10 बजे से 12 बजे तक बंद करते हैं, ये बताओ कहाँ से पेमेंट ले लेते हैं 10 बजे तक बजाने के बाद? ये इन लोगों की समस्याएं हैं, और छोटी समस्या नहीं है, बड़ी समस्या है, सरकार को ध्यान देना चाहिए इस बात पर भी कि डीजे इस प्रकार से बचता है। और योगी जी डीजे को लेकर आए थे उत्तर प्रदेश में, उन्होंने कहा था कि हाँ कांवड़ यात्रा में डीजे बजेगा, जब से डीजे का क्रेज ज्यादा बढ़ा है, सरकार को इन लोगों के पेट पर ध्यान देना चाहिए जिनका रोजी रोटी इस डीजे चल रही है। नियम सोचिए तैयार करते हैं इसमें, तभी सभी को लाभ मिलेगा, नहीं तो इसके बिना कोई फायदा नहीं होगा किसी को भी। जैसे अभी विजय जी बोल गए कि हम 18,000 बता रहे हैं और 12 बता रहे, सब चल रहा, अब आपके पास डीजे बड़े, किसी के पास छोटे। हेलो, सचिन भाई कुरनवाल जी मुबारकपुर से आए, अपने 2,000 रखे। और भाई एक मिनट, मैं सभी साथियों को बता दूं, मेरे बड़े भाई जो कि गंगू क्षेत्र में बहुत अच्छे अच्छे आपको अगर एक आवाज दी जा रही तो आदमी तुरंत खड़ा हो जाना चाहिए। पर जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपना अध्यक्ष चुन लो, जिला अध्यक्ष चुन लो, उपाध्यक्ष चुन लो, महामंत्री चुन लो, जो आपके लिए लड़ सके, जो आपके बीच में दीवार दीवार खड़ा हो सके, ये काम कर लो। और भाई साहब कुछ कहना चाहते हैं, एक बार भाई के विचार सुन लो। अध्यक्ष भी अच्छा लग लो भैया, मैं ज्यादा बात नहीं कहना चाहता, अध्यक्ष भी अच्छा लग लो। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि रजिस्टर्ड में जो भी खर्च आता हो और सब भाई की सहमति से होता हो तो मैं तैयार हूँ, और अगर आप लोग भी तैयार है तो आप हाथ ऊपर कर सकते हो। भैया बिल्कुल सुनो मेरी बात, कहने का मेरा फर्ज है, बाकी खर्चा जो भी रुपया 200,000 लगता है, लेकिन पक्का रजिस्टर होना चाहिए। सही बात है, सब किसी की तरफ से कोई दिक्कत रहा है। सही बात है, धन्यवाद भैया। तो भाई जी बताओ, अभी इस काम को आज करना है या किसी और दिन करना है या सहारनपुर जिले में करना है? या एक मीटिंग मेरे हिसाब से सहारनपुर भी रखी जाए, सहारनपुर वालों से बात करके ठीक है, वो हो गया जिला। बिल्कुल बिल्कुल सच्चाई है,
सहारनपुर वाले से बात करके जो बड़े हैं वहाँ के और बढ़िया तक सुना जाए जो हर वक्त खड़ा हो जिसके साथ प्रशासन भी हो हर चीज की सोचे बिल्कुल जी बिल्कुल ऐसे आदमी को सुना जाए और क्योंकि हमारे आपस में बात करने से वजह से सॉल्यूशन नहीं होने का कभी भी बिल्कुल नहीं होने का भाई ये चीज तो जरूरी है एक आदमी ऐसा चाहिए जिसने फोन घुमा देना वहाँ वो दिक्कत होगी उसके एकदम तुरंत बात हो जाए चलो भाई की बात तो सब सहमत है ना है ना कि जिले में एक मीटिंग हो जाएगा जिले में कोई नेतृत्व करने वाला भी होगा आप भाई जिले में अभी किसको पता क्या है अभी सभी को पता 20 तारीख से पहले पहले किसी के पास आया नहीं है ये चलो हमारे बीच में बड़े भाई राणा जी पधार चुके हैं पत्रकार बंधु है मैं इनका स्वागत करता हूँ और फिर भाई तालियों से इनका स्वागत करें चढ़ो दूसरी बात थोड़ी थाने में भी हो थोड़ी प्रशासन के लिए भी हो वो काम कर हेलो मेरा विचार ये है कि सभी भाई की ये रोजी रोटी का सवाल है और अपनी रोजी रोटी को इतनी जल्दी से इतनी आसानी से वापस नहीं भेजना चाहिए बहुत इसमें आप लोगों ने मेहनत कर रखी और मेहनत करने के बावजूद अगर किसी की रोजी रोटी जाती है तो भाई साहब वो सड़क पर जाएगा और सड़क पर आने के बावजूद वो कहीं कभी नहीं रहेगा तो मेरा तो सभी लोगों से एक अनुरोध है कि आप मीटिंग में आए और इसे पूर्णतः से अंतह दिल से इसे पूर्ण चलाओ भाई साहब हौसला अपना बुलंद रखो सरकार आपके साथ रहेगी जहां आप सब इकट्ठे होंगे सरकार भी आपके साथ रहेगी प्रशासन भी आपके साथ रहेगा अगर